नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी या दशहरा इस बार 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दशहरे पर कुछ ऐसे उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो अगर आप करते हैं तो ना सिर्फ आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होंगी बल्कि आपकी सक्सेस के प्रॉस्पेरिटी के रास्ते भी खुलेंगे। इससे पहले कि मैं आपके साथ कुछ रेमेडी शेयर करूँ, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। इसके अलावा आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा, अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो आप करना चाहते हैं लेकिन बहुत समय से वो अटका हुआ है और पूरा नहीं हो पा रहा, तो दशहरे के दिन किसी साफ सुथरी मिट्टी वाली जगह पर उत्तर पूर्व दिशा में मुख करके फूल और चंदन से प्रभु श्री राम की पूजा करें। इसके बाद वहाँ वो जिस जगह पर आपने पूजा करी है वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लाकर किसी भी शमी के वृक्ष पर चढ़ा दें, चाहे वो आपके घर में लगा हो या आपके आसपास कहीं लगा हो। ऐसा करने से आपका काम जल्द होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय, दशहरे के दिन हनुमान जी को सुबह के समय गुड़ चना और शाम के समय बूंदी का प्रसाद चढ़ाने से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है और धन लाभ भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके धन लाभ के अवसर आपके हाथ से निकल रहे हैं तो आप ये उपाय जरूर करें। तीसरा उपाय, दशहरे के दिन माँ दुर्गा के चरणों को लाल कपड़े से पोंछकर उस कपड़े को तिजोरी में रखने से घर के सभी लोगों को धन लाभ होता है और उनकी संपन्नता बढ़ती है। तो आप ये उपाय भी जरूर करें। एक बात ध्यान रखिए, मैं इस वीडियो में जितने भी आपके साथ उपाय शेयर कर रहा हूँ, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा उपाय कर सकें उतना बेहतर रहेगा दशहरे वाले दिन, क्योंकि इस दिन किए हुए उपाय के फलीभूत होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर और मैं आपके साथ जो उपाय शेयर कर रहा हूँ वो उनमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सामान नहीं लगना जो आपको दिक्कत हो अरेंज करने में, तो इन उपायों को जरूर करिए। अगला उपाय, विजयदशमी या दशहरे से शुरू करके एक प्रैक्टिस बनाइए कि 43 डेज लगातार डॉग्स को बेसन के लड्डू खिलाएं। इससे भी आपके आने वाले मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं वो और धन लाभ के जो योग बनेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये 43 डेज आपने लगातार करना है बिना किसी ब्रेक के, दशहरे के दिन शुरू करके। अगर बीच में कहीं उपाय टूट जाता है तो आपको फिर यही उपाय 43 डेज आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। हालांकि उसकी इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि फिर जब आप दोबारा उपाय करेंगे तो आप दशहरे वाले दिन तक वेट नहीं कर सकेंगे अगले साल तक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे अनजाने में कोई अपराध हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो उसके लिए दशहरे के दिन माँ काली का ध्यान करके उनकी प्रतिमा के आगे तेल का दीपक जलाएं और दीपक में 11 तिल के दाने डालें। इसके बाद माँ काली से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करें। अगर आपको उस भूल की वजह से कोई नुकसान होने वाला है तो उस नुकसान की में कमी जरूर आएगी। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनके घर में हमेशा कलह रहता है या सुख शांति नहीं है, तो दशहरे के दिन शाम के समय आटे का एक चारमुखी दीपक बना लें और शम्मी के वृक्ष के नीचे इस दिए को जला दें। ध्यान रखिए, ऐसा करते समय आपको कोई टोके नहीं
और जब आप ये दीपक जलाकर, अगर मान लीजिए आप घर के अंदर जला रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दीपक जला लीजिए। अगर सपोज आप घर के बाहर जाकर ये दीपक जला रहे हैं शम्मी के वृक्ष पर, तो आप ध्यान रखिए आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। आपने दीपक जलाया, दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर आप वापस आ गए बिना पीछे, और फिर जब वापस आ रहे हैं तो आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ऐसा करने से आपके घर में सुख और शांति का वास जरूर होगे। अगर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही, आप कोई मनोकामना आपने बहुत समय से आपने आपकी मनोकामना है और मनोकामना पूरा नहीं हो पा रही, तो जैसा मैंने ऊपर उपाय बताया वो तो आप करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा आप दशहरे के दिन गुप्त दान जरूर करें। अगर गुप्त दान में आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, बस आप किसी को ज्यादा बताएं नहीं, आप ये दान कर दें। जीवन में तरक्की और उन्नति चाहते हैं तो दशहरे के दिन कोई पौधा अवश्य लगाएं और कोशिश करें उसकी नियमित रूप से देखभाल करें। आपके जीवन में भी तरक्की और उन्नति आएगी। जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा आपके जीवन में भी तरक्की जरूर आएगी। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं शनि राहु या केतु से रिलेटेड कोई समस्या से गुजर रहे हैं, या कोई ऊपरी बाधा है, या बनता काम बिगड़ जाता है, या कोई अनजाना भय आपको हमेशा भयभीत करता रहता है, और ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि परिवार के ऊपर किसी ने कुछ बुरी नजर है या किसी ने कोई बुरी नजर रख रहा है, तो उसके निवारण के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दशहरे के दिन एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, उसे काले कपड़े में लपेट लें, 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम काली उड़द की दाल और एक कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ये आपको बहुत ही लाभ देगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसमें करना आपको जल प्रवाह होगा, इसका और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब दशहरे वाले दिन अगर आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, इन उपायों की इफेक्टिवनेस चाहते हैं, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि उस दिन भगवान राम की पूजा जरूर करें। दशहरे वाले दिन भगवान राम की और माँ काली की पूजा जरूरी आपने करनी करनी है। और पूजा का वैसे तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पूजा का मुहूर्त 1:12 दोपहर को लेकर 3:27 दोपहर तक है। अगर आप इस बीच पूजा कर पाते तो और अच्छा, अगर आपको इस समय टाइम नहीं मिल पाता तो आप आगे पीछे भी पूजा कर ले, लेकिन इस दिन पूजा जरूर करें। भगवान राम का कोई मंत्र जो आपको प्रिय है वो आप इसके साथ अपनी पूजा करते हुए भगवान राम का कोई मंत्र करें, या आप सिर्फ राम राम भी जप लेंगे तो भी आपको उस पूजा का फल जरूर मिलेगा। आप सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।